अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज हम आए असलो फॉर्नर रोड पे, आपको ट्राई कराएंगे यहाँ की सबसे फेमस डिश जो मुझे बड़ी पसंद है। मैं यहाँ पे बड़ा आता हूँ। हम आए आज ग्रिल स्ट्रीट स्लो में। यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं जो आपको दिखाएंगे और आपको टेस्ट करवाएंगे कि कैसा होता है उनका जायका, किस तरह वो चीज़ें बनती हैं। और मुझे पर्सनली दो चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं जब भी आता स्लो ट्राई करता हूँ, आज आपको भी दिखाएंगे। उस्मान भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनको क्या यहाँ पे पसंद है, ये यहाँ पे क्यों आया मुंह उठाकर। जिस बंदे आप क्यों यहाँ पे आए हैं? यार मैं इसलिए आया हूँ कि आप यहाँ पे खाना खिलाने के लिए लेके आए हैं और जगह बड़ी ज़बरदस्त है, पहले भी आए हुए हैं, खाना बहुत टेस्टी है इनका। और मुझे यहाँ के जो पसंदीदा है ना वो चिकन स्ट्रिप्स हैं, वो बहुत ज़बरदस्त हैं। और आपकी? मुझे यहाँ के जो इनके लोडेड फ्राइज हैं बड़े पसंद हैं। जी विकास भाई क्या खाना है इनका? जो है ना ट्राई करना हमने, वो क्या कहते हैं डब्बे में जो होता है, डब्बे में क्या क्यों साथ है? ये लिखा राइस बॉक्स है। हाँ राइस फ्राइज। अच्छा इसमें ना ये वो होता है एक, हाँ एक होता है 50-50, उसमें फ्राइज भी होते हैं, राइस भी होती है, सैलड भी होती है, वो ट्राई करनी है। हाँ जी मैंने वो खाना था, तो आपने क्या खाना है? जो आपने खाना है मैं भी वही खा लूँगा। अभी तू क्या ट्राई करना? कितना बिल बना है? 29 pounds, 8 pounds का है, 50-50। और 5 pounds की आई है पैरी पैरी स्ट्रिप्स। खाना मैंने ऑर्डर कर दिया है, बहुत क्वाइट है, हम आए काफ़ी अर्ली आज। इसकी ख़ास बात है कि मुझे ना इसमें जो 3-4 चीज़ें हैं वो टुगेदर आती हैं, जिसमें फ्राइज हो गए, चिकन, सैलेड और राइस। अब ये वेट कर रहे हैं डेस्परेटली कि खाना हमारा कब आए और उसको शुरू करें। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं जब हमारा खाना आता है तो। 2000 years later, ये जो हमारा खाना आ गया, अब खाना खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे खाने में क्या क्या है। लुक अच्छी डब्बे की, ठीक है, सॉलिड डब्बा है, सॉलिड डब्बा है। उस्मान भाई ने ना विंग्स खोल ली हैं, उनकी खुशबू मुझे दूर से ही आ गई है। ओए हो ज़बरदस्त विंग्स है जी। सरकार इसको प्रॉपर तरीके से खोल कर दिखाएं कैसे खूबसूरत विंग्स तैयार किए गए हैं। वाह लुक एट दैट यार, ओह माशाल्लाह बड़े कमाल के विंग्स लग रहे हैं, लुक एट दैट। ओए होए होए इट्स टू हॉट, ओ हो हो, ये लगता है उस्मान भाई नहीं कर पाएंगे, मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये खा के भी दिखाता हूँ आपको, मुझसे अब मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा। सबसे पहले मैं चिकन स्ट्रिप ट्राई करूँगा, मेरी बहुत ही फेवरेट है, जब आता हूँ मैं जो मर्जी खाना खाऊँ चिकन स्ट्रिप खाए बगैर मैं घर नहीं जाता। हॉट है, गर्म है, स्पाइसी है और मज़े इस चीज़ का आता है। बिस्मिल्लाह से बात रखें, वाह कमाल की है यार। जब भी अगर आप यहाँ पे आए ये लाजम ट्राई कीजिएगा, बहुत ही कमाल की है। अब ट्राई करते हैं इनकी जो फेमस डिश है जिसकी ये एक्सपर्ट समझ जाते हैं, वो है जी इनके लोडेड फ्राइज। इसमें सब कुछ शामिल है, फ्राइज भी हैं, ये चेक कीजिएगा, ये इनके पास ये फ्राइज है जी, ये राइस विद चिकन है, काफ़ी लजीज लग रहा है। यकीनी तौर पे आपको भूख लग रही होगी और लगनी भी चाहिए, चीज़ ही ऐसी है यार, बंदा इसके बगैर कहाँ रह सकता है। अभी बिस्मिल्लाह करते हैं, इसके भी आपको रिव्यू देते हैं, ये काफ़ी लंबी बहुत बड़ी बाइट बन गई है माशाल्लाह, लेकिन ट्राई करते हैं इसको। बिस्मिल्लाह दुआ रखिए। सुभान अल्लाह क्या बात है यार। एक चीज इसमें मिस हुई है वो है फ्राइज। अब फ्राइज के साथ ट्राई करते हैं इसकी एक बाइट और चेक करते हैं फ्राइज का मज़ा कैसा आता है। नॉर्मली इस तरह की डिश होती है ना बगैर फ्राइज के बंदा खा नहीं सकता, मुश्किल होती है। फ्राइज पता है आपको लाजम है। ज़बरदस्त यार, मज़ा आ गया खा के।
बहुत ही कमाल की डिश है, मजा आ गया खा के। ये एक वन ऑफ द फेवरेट होती है ना, वन ऑफ द फेवरेट, ये मेरी समझ लगे सबसे फेवरेट एक टेक अवे है फास्ट फूड में। पिज़्ज़ा बर्गर भी मुझे पसंद है, लेकिन जो ये चीज़ है ना, ये कमाल की गाइस, वंडरफुल, मज़ा आ गया। अभी उस्मान भाई आपको ट्राई करवाएंगे और उनके मुंह से पानी आ रहा है, ज़्यादा वेट नहीं करते उनको और खाना शुरू करते हैं। उस्मान भाई आ जाए, आप भी शुरू करें जी। तो पहले तो जी ट्राई करते हैं विंग्स। विंग्स जो है मुझे बहुत पसंद थे। मुझे याद है एक दफ़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वकास भाई यहाँ लेके आए थे और विंग्स खाने के बाद यकीन करें बुखार उतर गया था। लुक एट दिस, सो जूसी, सो यमी एंड सो ब्यूटीफुल एंड इट्स हॉट एज वेल। बिस्मिल्लाह। वाओ यार, मज़ा आ गया, बहुत ज़बरदस्त। ये जो इन्होंने साथ में लगा के दिया हुआ ना मसाला, ये मसाला साथ लगा हुआ क्या है ना, ये वाला, ये जो इन्होंने दिया हुआ मसाला, ओए होए 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 होए, मज़ा ही आ गया यार। मैं कहना 10 से 10, ज़बरदस्त, 10 से 12। ओए तो इधर लेने के लिए आ गया, चीटेंगे यार, ये फाउल हो गया। What? यार मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, मैं अपना खाना खाना शुरू करता। उस्मान भाई ने अपना डब्बा जनाब शुरू करने लगे ने, ये उस्मान भाई ने किया जी, मैं वेट नहीं कर पा रहा। उस्मान ने बिस्मिल्लाह करो यार, भूख ही इतनी लगी है, मैं क्या करूँ। बिस्मिल्लाह, बाइट थोड़ी बड़ी बना लेते हैं। ओए ओए लुक एट दिस ब्यूटीफुल, बिस्मिल्लाह। हाईली रिकमेंडेड यार, बहुत मज़ा आया। ये इसके राइस है, राइस भी इसके अच्छे हैं, राइस इसके जिस तरह बिरयानी के चावल होते हैं इस तरह बने हुए, और बहुत ही नीचे वाले राइस तो बहुत ही गर्म है यार। जो ये चीज़ ना, ये चीज़ थोड़ी सी सैलड है, थोड़ा स्पेस पे चिकन है, सारे पैसे जो हैं वो इस चीज़ के ही हैं कि तीनों चीज़ें एक साथ आती हैं यार। स्पाइसी है काफ़ी है ना, हमने वैसे स्पाइसी ऑर्डर किए, मज़ा बड़ा आया। ये एक्स्ट्रा सॉस आ गई जी, ये चटनी इनकी काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी टेस्टी चटनी है यार इनकी। हाँ चटनी इनकी अच्छी है यार, कोई शक है ना। हाँ लो जी, चटनी लगा के बड़ी सारी बाइट बना के, ओए हो मज़ा आ गया, बहुत आला यार। ये देखो चिकन ख़त्म हो गया, सैलड बुक गई है, उससे तो चिप्स रह गए, वाह ज़बरदस्त कम हो गया ना, थोड़े बहुत राइस ने और थोड़े बहुत फ्राइज ने, मज़ा आएगा एक खा के। मेरा तो अभी काफ़ी पड़ा हुआ है क्योंकि स्पाइसी बहुत ज़्यादा है, मैं इतना स्पाइसी खा नहीं सकता। लो जी काम पहुँच गया जी अपने आखिरी मरहल्ले, मेरे तो सिर्फ मैं खराब 2 चमचा रह गए ने और मुक गया, मैंने बड़ा दुख है यार, मेरा डब्बा मुक गया यार, एक और ला दे मैनू प्लीज़। यकीन मानो अल्लाह तो बुक छिड़ी है, बुक मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, अल्लाह दिल कर रहा है मैं 2-3 डब्बे और मुका जाऊँगा। एक डब्बा खा लेना बंदा, यकीन करे पूरा दिन खाने की ज़रूरत नहीं है, वकास आपका पेट नहीं है लालू खेत है यार। तुम आप इंसाफ करो, इतना बेहतरीन खाना हो तो मतलब सर एक डब्बा खा, तुम इतनी दूर से आए यहाँ यार, दूसरा खा के जाने आराम रखती हो गया, अल्लाह रात डिनर भी करना है, मैं डिनर भी होनी कर लेंगे। लो जी ब्रेकिंग न्यूज़ है, मेरा खाना मुक गया है, इधर तुम दिखाना, मैं चेक करो, ये नवा डब्बा नहीं है, ये डब्बा मैं अपना साफ किया है, इतना अच्छा खाना होए तो डब्बे फिर इंजी साफ हो, मैंने देख लियो नाले, इस तो लगता है कि मैंने खाने का तरीका भी आता है, मैं खाना सह नहीं करता, जो मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह सारा खाना ख़त्म करता और अल्लाह का शुक्र अदा करता कि जो अल्लाह ने खाना दिता। तुसी भी जिला खाना खाया करो, अपना बर्तन साफ किया करो, इस सुनत भी है, और खाना खाता करो जो खाना मज़ेदार होता है, जो तुम्हें पसंद है।
उधर फिर बर्तन साफ होने का मजा भी आता है जिस तरह मैं किया है। इधर चेक कर लो भाई साहब रोए मैच भाई साहब तो फंस गया है पता नहीं भाई साहब तो जिद्दे नहीं जिद्दे ये तो आखिर पांच मिनट गेम आ गई है भाई साहब की उस्मान भाई को खाना मुख्य नहीं रहा शायद ना मैं ना क्या मैं मेरी सर्विसेज ले लियो लेकिन भाई साहब ने इनकार कर लिया भाई पोर्शन इनका बहुत बड़ा है मुझसे तो इतना सच्ची बात है खाया नहीं जाता पहले भी थोड़ा घर घर भी खाना खा के आए हुए वकास साहब तुम्हें पता है जरा फिर बिग 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 साइज नहीं यार मैं भी खाना जो इतना ज़्यादा नहीं खाता लेकिन अगर खाना अच्छा हो तो फिर दिल तक करता है खाना खाने का और खाना चाहिए भी है खाओ पियो इंजॉय करो ऐश करो मुंडियों कुड़ियों बिरावो बहनों सजनों वीरों इंजॉय करो खाना हाँ अगर ये मंगवा दिया ना फिर साइड ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है है क्यों नहीं है, है दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट नहीं मंगाएं बिल्कुल मंगाएं तो जी अब टाइम हो जाता है इसको रिव्यू करने का जी उस्मान भाई अलहमदुल्ला जी तुम रिव्यू पेश करो तनु खाना कैसा लग गया इसका यार खाना बहुत अच्छा है पोर्शन बहुत बड़ा था बड़ा ही मज़ा आया अच्छा सब तो ज़्यादा तनु की पसंद आया चिकन स्ट्रिप्स उदी वजह बहुत फ्रेश थे बड़े ही हॉट सन बहुत ही मसाला लग गया बेहतरीन मज़ा आ गया गर्म सन और फिर यह भी ज़बरदस्त सी लेकिन है कि दो दो नहीं मंगाने चाहिए एक ही मंगाना चाहिए वो बंदा डबल माइंडेड हो जाता है तो मैं क्या खाऊंगा फिर है तुसी है ताड़ा नहीं मेरा हुआ है मेरा ना, ना, देखो ना, मैं सारा खा लिया इस तरह नहीं चलेगा नो इस तरह नहीं चलेगा वापस रखो ऐ गल हुई ना यार बहुत ही वाकई लोडेड है अब आपने रेट करना है खाने को तो शुरू करें आपको जो 50-50 हमारा जो हमने ऑर्डर किया था चिकन बॉक्स हाँ। इसमें फ्राइज भी थे चावल था बला बला पता नहीं क्या क्या नहीं था हाँ। यानी कि सब कुछ था उसकी आप आपके ख्याल में क्या रेटिंग बनती है यार मैं जेन्युइन अगर उसकी रेटिंग दूँ ना तो ये जो लोडेड था ना 50-50 इसके जो है मैं रेटिंग इसकी दूँगा 8 out of 10 और चिकन स्ट्रिप्स की यार डेफिनेटली 10 out of 10 और इसकी फेंटा फेंटा बड़ी बड़ी पी है फेंटा की कोई रेटिंग नहीं आज कल वैसे छोड़ी हुई है लेकिन इसकी 5-6 दे दे वेल डन उस्मान जी विकास भाई रेटिंग का टाइम आ गया यार मेरे हिसाब से अगर आप पहले चिकन स्ट्रिप्स की बताएं अगर आपने रेटिंग करवानी है ना तो मुझे एक डब्बा और खाने दें अभी भूख अभी भी बाकी है बड़ा आप इस सवाल की तरफ आते हैं मेरे ख्याल में जो चिकन का बॉक्स था जिसमें चिप्स भी थे फ्राइज भी थे सैलड भी थी और बिरयानी वाले राइस भी थे मेरे ख्याल में उस रेटिंग बनती है 8.5 out of 10 चिकन स्ट्रिप्स की बात करें तो उसकी रेटिंग बनती है मेरे ख्याल में 9 यार वो तो गज़ब की चीज़ थी कमाल की चीज़ थी यार आप लाजम कभी यहाँ आए ना तो वो लाजम ट्राई करें बकाया कुछ चीज़ ट्राई करें 5 pound की है 5 कीमत भी रीज़नेबल है और खाने का भी बड़ा मज़ा आएगा आपको क्योंकि पोर्शन काफ़ी अच्छे साइज़ का होता है यानी कि एक बंदा अपनी एक मील प्रॉपर खा सकता है उसमें ड्रिंक इंक्लूड नहीं होती वो आपको साथ वाली शॉप से पाउंड की 50p की वट एवर जो भी उसकी प्राइस है वो मिल जाएगी आपको मेरी आपको हाईली रिकमेंडेड जगहों में से एक जगह है मैं यहाँ बहुत आता हूँ जब भी मैं M4 से या M25 से गुजर रहा हूँ नियर टू हीथ एयरपोर्ट नियर टू साउथ आर्थलो मैं खाने के लिए यहाँ पे मिनिमम आपके पास कितने पैसे हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं यार ये जो हमने एक बड़ा यानी कि बड़े रीजनेबल साइज का जो हमारा पोर्शन था ये था 8 pound का इसके अलावा 7 pound में भी आपको मिल जाएगा उसमें एक चीज़ होगी या वो लोडेड फ्राइज होंगे या वो राइस बॉक्स होगा सिर्फ या बर्गर 5 pound का मिल जाता है खाना क्वालिटी अच्छी है क्वान्टिटी भी अच्छी है नॉर्मली ये दो जगह आप नॉर्मली ये दोनों चीज़ें आपको किसी पैकेज में मिलती नहीं है अब हम इंशाल्लाह इस व्लॉग को करते हैं ख़त्म अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब लाजम करें और हमारे चैनल को आप अपने व्हाट्सएप के जो आपके ग्रुप्स हैं उनमें शेयर लाजम करें ताकि हमारी जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में आप अपना ख्याल रखिएगा A few moments later. Avakas ki craving ho rahi hai unta. Yaar dil kar raha faluda khan da. Raj bhi ja. Faluda khan to baad Allah karega main raj hi jaunga. Oye agar faluda mil gaya main tenu nahi dena. Eh yaad rakhi. Nahi milan laga. Humne treat dukan labhi hai. Itho faluda nahi je sanu milna.
मिल जाएगा इंशाल्लाह। जी हम आ गए हैं अल्टीमेट डिजर्ट पे और इस दुकान का नाम है ट्रीट। और यहाँ पे जी हम आपके पास फलूदा है? फलूदा क्यों नहीं है जी विकास भाई? फलूदा मिले यार, हाथ हो गया। क्या कहते हैं? कह रहे हैं फलूदा नहीं है। ओहो देखें जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनके पास फलूदा नहीं होता। मैंने ऑलरेडी वर्डफोर्ड से चेक किया था तो फलूदा नहीं होता। और कुछ खाना है यार? दिल फलूदे जैसी और मना की कहा फिर, दिल टूट गया यार, मज़ा नहीं आया। मज़ा नहीं आया? आप मेरे पैसे वापस कर दो। मज़ा नहीं आया तो पैसे वापस। पैसे वापस। चंगा भला प्लान सी कि खावेंगे अच्छे वाले राइस, फ्राइज, चिकन, चिकन स्ट्रिप, स्पाइसी हॉट, उस बात ट्राई करेंगे फलूदा। थोड़ा अंदर मामलात ठंडे होंगे को जो है काफ़ी हमने खिला पिला दी है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। और किस्मत नाल नहीं लड़ा जा सकता गाइस, आज के लिए मेरा ख्याल इतना ही है। ये याद रखे तो चैनल नू लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बैल आइकन नू लाजम दबाओ ताकि साड़ी हर आने वाली नई वीडियो थोड़े तक पहुँच सके। और कमेंट सैक्शन दसना कि तुहानू साड़ी अज की वीडियो कैसी लगी है और तुसी ए वीडियो अपने चाड़ा नाल तुसी व्हाट्सएप मैसेज शेयर करो ताकि लोग साड़ी वीडियो ज्यादा तो ज्यादा देखें। इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।